गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आ गए हैं लड्डू गोपाल के पास दर्शन कर लिए सुबह सुबह। तो आप सभी का भी दिन अच्छा जाए। तो भगवान से शुरुआत करते हैं सबके। ये एक और लड्डू गोपाल है हमारे, और ये है श्री खाटू श्याम जी, और जितने भी देवी देवता हैं 33 कोटि उनका भी आशीर्वाद ले लिया है। तो चलिए चलते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज है गणगौर और ईद दोनों, तो आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं। और मुझे कुछ ऑर्डर्स आए हैं, तो सबसे पहले जो है उनकी पैकिंग करेंगे, फिर आज का दिन देखते हैं कैसा रहेगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल पे जो मिट्टी जम जाती है, तो इसलिए मैं इससे जो साफ़ करके फिर ही पैक करता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से इससे साफ़ हो जाता है। 50 रुपये का आता है, बिल्कुल ये डीमार्ट में मिल जाता है। इनके सामान ले लिए जो जो इसमें ज़रूरत होती है। अब इसको पैक करेंगे। और भी है आर्टिकल मेरे पास पैक करने के लिए, वो आपको नहीं दिखाऊंगा, बस यही दिखाऊंगा मैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे आर्टिकल पैक हो चुके हैं, जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एरिया पूरा वापस से जमा दिया मैंने, कल वहाँ से हमने कूलर निकाला था, तो आज वापस से सही कर दिया, बिल्कुल साफ़ सफाई करके। ही देखिए, तो ये पौधा बार बार कह रहा है अभी हम जिंदा हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मम्मी जो अभी काम कर रही है। तो भाई, मैं टिकटॉकर की जैसे ट्राई कर रहा हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना ये वीडियो। तो अभी खाते हैं समोसे, ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची बड़ा, और ये है खमन, और ये है मिठाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रहा है बहुत ही ख़तरनाक वाला फ़ोटोशूट, तो आपको दिखाते हैं इसका 360 डिग्री व्यू। और आज लास्ट डे है गणगौर का, जो सब महिलाएं हैं जो आस पड़ोस की सब घर की वो पूजा कर रही है आज। जो जो ये गीत गाती है, जितनी बिजली लग रही है, पट्टी क्या लग रही है, सब जगह लगाएंगे, एक एक पूरा पेज भर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान में जो त्यौहार है, ये राजस्थान और आस पास के जो एरिया है राजस्थान को टच करता है, वहाँ पर ये मनाया जाता है। ये औरतों के लिए होता है, और जो शिव पार्वती जी होते हैं जो उनसे रिलेटेड ये होता है। और ज़्यादातर ये महिलाओं का त्यौहार ही है, इसमें दूसरों का कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर ये देखिए, सब महिलाएं आपको दिखेगी। तो फ्रेंड्स, ये कल्चर है जो आगे शायद देखने को मिलेगा। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब ब्लॉग पे। तो आज है गणगौर, तो आप सभी को गणगौर की शुभकामनाएं। ज़्यादातर ये औरतों का त्यौहार है, 16 दिन तक चलता है, और आज उसका आखिरी दिन है। और साथ में आज ईद भी है, तो सभी को ईद मुबारक। मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं मुस्लिम, उनको सब्सक्राइबर है जो भी। तो चलिए चलते हैं, आज के दिन कैसा रहता है आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन में जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, और अभी देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, और चारों तरफ जो बादल ही बादल हो रहे हैं, तो बारिश भी आ सकती है। ये देखिए, चारों तरफ काले काले बादल दिखेंगे आपको दूर दूर तक। इस साइड भी देखिए, ये देखिए ऊपर बहुत ही ज़्यादा काले बादल हैं, तो कभी भी बारिश भी आ सकती है। और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडक भी होगी थोड़ी, लेकिन जो फसलें होती है, जो गेहूं की फसल है, तो उसको नुकसान हो सकता है। तो ऊपर आए तो टंकी भी चेक कर लेते हैं, जो पूरी तरह की भरी हुई है। ये देखिए, इसमें बहुत कचरा हो गया, कभी इसको भी साफ़ करेंगे। टाइम मैं बना रहा हूँ रील, तो मैं कुछ इस तरीके से रील बनाता हूँ अपनी। मैं कुछ ऐसा कंटेंट यहाँ पे रखता हूँ ताकि वो ऑडियंस का जो है अट्रैक्ट करे माइंड, फिर वो उसी को देखते हैं, तो 3 सेकंड वो हो जाते हैं जो चाहिए हमें मेन रील्स वायरल करने के लिए। तो ऐसे मेरी रील वायरल हो जाती है। तो ये ऐसे फनी वर्क मैं बनाता हूँ, तो आप देख के ज़रूर बताइए किसका लग रहा है कमेंट करके। और ये ओरिजिनल जो है सनलाइट में मैं बना रहा हूँ। अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम हो रहा है, तो बारिश आ सकती है। तो फ्रेंड्स, किसी दिन वहाँ पे बैठ के ऊपर से हेलीकॉप्टर में से भी ब्लॉग बनाएंगे, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और देखते हैं क्या रहता है अगला दिन।